सबसे पहली बात में इस कोरोना वैश्विक संकट काल में जो बजट का महत्वपूर्ण एक भाग है वो है स्वास्थ्य को लेकर के। पिछले बार जो स्वास्थ्य के बजट में शामिल किया गया था इस बार उसमें 137% की वृद्धि की गई है और सब लोगों को लग रहा था कि कोरोना महामारी का कार्यकाल है, ऐसे कालखंड में बजट में कटौती होगी, नए टैक्स लगेंगे, लेकिन न ही कोई टैक्स लगाया गया और न ही बजट में कटौती की गई, बल्कि सुखद पहलू यह है कि 34.5% पूंजीगत व्यय इस बजट में प्रावधान किया गया है। यह माना जाता है कि यदि 1 रुपए खर्च किया गया है पूंजीगत तो लगभग उसका 4 गुना जनता को उसका लाभ मिलता है और इस प्रकार से इस बजट में यह प्रयास किया गया है। हम देख रहे हैं कि इस बजट को लेकर के जिस प्रकार से स्वास्थ्य को लेकर के दो 2.23 लाख करोड़ का अलॉटमेंट इस बजट में प्रावधानित किया गया है, लगभग 35,000 करोड़ रुपए जो वैक्सीन है उसके लिए बनाने के लिए उस बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही उसमें इस बजट के माध्यम से कि नए हेल्थ सेक्टर खोलने के लिए, रिसर्च करने के लिए और उसके साथ ही साथ में जो 5 राज्यों तक लोगों का लोकल वैक्सीन जो लगाए जाते थे आज तक पूरे हिंदुस्तान के लिए उसको दिया गया है और इसका फायदा यह होगा आने वाले समय में जो बच्चे अल्प समय में कालकोलित हो जाते थे इस वैक्सीन के माध्यम से उनको बचाया जा सकता है। लगभग जो अमूमन आता है कि साल में लगभग 40,000-50,000 बच्चे जो कालकोलित होते हैं इस वैक्सीन के लगने के बाद में उसको बचाया जा सकता है, इस प्रकार के इस बजट में प्रावधान उसको किया गया है। साथ ही कोरोना वायरस जो आया कि आने वाले समय में ऐसे जो अज्ञात बीमारी के पूर्व से उसको रिसर्च किया जा सके और उसका उपाय निराकरण किया जा सके उसके लिए 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये भी इस देश में बनाने का तय किया गया है और इस बजट के माध्यम से हम देखेंगे कि पूरे स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ी राशि सौगात के रूप में प्राप्त हुआ है। किंतु आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो अभी वैक्सीन लगा, अभी तृतीय चरण का जो वैक्सीन लगना है और जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि इसको हम मना करेंगे, इसको लगाने नहीं देंगे, आज दुनिया में इस बात की प्रतीक्षा हो रही है कि भारत का वैक्सीन हमको मिल जाए और ऐसे वैक्सीन का विरोध करना छत्तीसगढ़ के लोगों का अहित करना है। 2 बार वैक्सीन लग चुका है, अभी तक उसका एक भी पेशेंट ऐसा नहीं आया कि जिसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट हो, जिसको कोई भर्ती किया गया हो और जिसके उपयोग करने से किसी प्रकार के अस्वस्थ आदमी हो, लेकिन इसका पूरा प्रयोग करने के बाद में जिस प्रकार से बातें अभी आ रही है तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से बातें जो आ रही है कि छत्तीसगढ़ के हितों की उपेक्षा स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा की जा रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइवेट जो कंपनी है वैक्सीन के उनको लॉन्च करना, उनको प्रोत्साहित करना और जिस प्रकार से हमारे यहां मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के जो संबंध है किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब बजट प्रस्तुत हुआ उस समय उन्होंने बधाई दिया, बहुत अच्छा बजट है, जो प्रावधान किए गए उसको उन्होंने सराहना की। अब ऐसी कौन सी बात आ गई कि जिसको लेकर के उनको विरोध करने की स्थिति निर्मित हो रही है। ये जो आपस के जो कांग्रेस के अंतरकलह का परिणाम है वो खुल करके अब सामने दिखाई देने लगा है। उसके अनुसार से तय होती है
और जहां तक आप जो रेट की बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं, तो आज इस संकट के समय में भी यदि हम काम कर रहे हैं, आपके 1 करोड़ रुपए गैस कनेक्शन अभी का, पहले 8 करोड़ गैस कनेक्शन हम लोगों ने दिया है, कहीं न कहीं से आपके पास पैसा आएगी तो पैसा जनता के पास जाएगा, और कहीं से आपके पास पैसा नहीं आएगा तो जनता के पास आप पहुंचाएंगे क्या? कौशिक जी, अंतरराष्ट्रीय बाजार, जस्ट मिनट, अंतरराष्ट्रीय बाजार 2014 में 119 रुपए डॉलर प्रति बैरल था, आज की स्थिति में 55 रुपए डॉलर प्रति बैरल है। ऐसी सूरत में तब 62 रुपए तेल था और आज 92 रुपए है। अब आप बताइए, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रेस लगाया करता थे मनमोहन सिंह की उम्र से, अब आपके प्रधानमंत्री का रेस किससे है? हमारा प्रधानमंत्री का रेस किससे नहीं है, तो फिर महंगाई क्यों है पेट्रोल? और आज जो कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, नहीं वहां मत जाइए, बात बात 62 और बात बात विकास है उसी का परिणाम है, लेकिन विकास कहां से आप लेंगे? ये सारा जो विकास दिखाई दे रहा है, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना अच्छा जो काम हो रहा है, चलिए स्वास्थ्य के एक प्रश्न में आप स्वास्थ्य मंत्री के प्रति जो अभी आरोप लगाए हैं, स्वास्थ्य मंत्री के प्रति जो आरोप लगाए हैं उसका आपके पास क्या प्रमाण है, और आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। आपने समाचार पत्रों में छापा है, मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन को हम रोकने के लिए बात करेंगे, इस वैक्सीन को यहाँ नहीं लगने देंगे, यही प्रमाण है। और आप बोलेंगे कि हम जो छापते हैं वो, तो मैं उस विषय में कुछ बोलना नहीं। चलिए उस छपे से एक प्रश्न, अरे यार ए मित्र, अरे उससे एक प्रश्न उठा रहा हूँ, कोवैक्सीन से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कोविशील्ड को बैन नहीं किए हैं, कोवैक्सीन को किए हैं जिसका ट्रायल फेज होना बाकी है। दूसरी, जस्ट पूरी बात हो जाने दीजिए, उसका ट्रायल होना बाकी है, उसके ऊपर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को बदकिस्मत कहते हैं। हमने 9 सांसद चुना है और हमारे प्रतिनिधि वहां बैठे और हमें बदकिस्मत कहें, ये ठीक नहीं है। भारत बायोटेक को ऐसा लगता है कि आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, को बदकिस्मत कहे ना आपको कहे, मैंने कहा है हमारा दुर्भाग्य है। नहीं, नड्डा जी किसका होगा? नड्डा जी बदकिस्मत करते हैं, किसका होगा? छत्तीसगढ़ के लोगों को होगा। आपका 2 वैक्सीन लग चुका है, तीसरा वैक्सीन लगेगा, पूरे देश में लग रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया है उसको, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, विशेषज्ञों ने बनाया है, उनके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान में लग रहा है जो 2 वैक्सीन लगा है वो कोविशील्ड है। अरे सुनो ना भाई, एक भी प्रकरण नहीं आया है कि किसी प्रकार का कोई प्रकरण आए, इसलिए छत्तीसगढ़ को जितना जवाबदारी यदि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का है, उससे बड़ा जवाबदारी हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री का है। और वो जब बात को पूरे शिद्दत के साथ में कर रहे हैं, तो उस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जी, वो कोविशील्ड लगा है, कोवैक्सीन नहीं लगा है। भाई जो वैक्सीन की आप बात करें पूरे हिंदुस्तान में लग रहा है, कोई छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश नहीं है कि जहां आपके यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जब लग रहा है, जहां कहीं विरोध नहीं कर रहा है, आज विदेशों से भी मांग आ रही है, आखिर आपका संदेह करने का क्या कारण है? ये हम नहीं बनाए हैं, हमारे मैं कोवैक्सीन की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में नहीं लगा है, कोवैक्सीन हिंदुस्तान में नहीं लगा है। प्राइवेट कंपनी में शेयर है ऐसा आपने कहा, 90 देशों में प्राइवेट कंपनी में शेयर है, इसलिए प्राइवेट कंपनी में शेयर है ऐसा आपने कहा। मैंने प्राइवेट कंपनी में शेयर है नहीं कहा, लॉन्च कर रहे हैं, ये कहा कि उसको प्रोत्साहित क्यों किया जाना, मैंने ये कहा। तो भारत बायोटेक को प्रोत्साहित किया जा रहा है, स्वदेशी जब देश का उत्पादन हो रहा है तो प्राइवेट कंपनी को क्यों प्रोत्साहित किया जाना, मैंने ये कहा। को लेकर के मंडियां हमारे अपग्रेडेड हो, उसमें सारे सुविधाएं हो, और पूरे देश में 1000 मंडियों को चिन्हांकित किया गया है कि उस मंडी के मंडी को सशक्त बनाने की योजना कार्य योजना बनाई गई है और 1000 मंडी को चिन्हांकित किया गया है। ये बता रहे हैं कि मंडी समाप्त नहीं होगा, बल्कि मंडी को हम सुव्यवस्थित करेंगे, मूलभूत वहां पर जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाएगी। तो जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा अफवाह फैलाने का काम किया जाता है,
इस बजट के माध्यम से उसमें उल्लेख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि केवल भ्रांतियां फैलाने का काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा की जा रही है और इसमें अलग अलग सेक्टर में के सिंचाई के लिए संबंधित गतिविधियों के लिए 1,60,00,000 रुपए, ग्रामीण विकास पंचायती राज 123,00,000 रुपए, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इसमें काम हुए। साथ ही हम यदि तुलना करेंगे 2014 से तो 62,000 करोड़ की तुलना में 300% वृद्धि हुई है इसमें समर्थन मूल्य में, और इस बार 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किए गए, लगभग 44 गुना की वृद्धि। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक के लिए जो यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था की गई, इसके लिए बजट में 27,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसके सर के ऊपर में छत नहीं है, इसलिए उसमें इस कालखंड के लिए और आने वाले कालखंड के लिए बजट में प्रावधान करके कि सबको मकान की सुविधा उसमें मिल सके। किंतु राज्य सरकार के द्वारा जो मैचिंग ग्रांट दिया जाता है, मैचिंग ग्रांट नहीं दिए जाने के कारण में आज छत्तीसगढ़ के लोगों की उपेक्षा हो रही है और प्रधानमंत्री आवास जो को मिलना चाहिए उसका अभी प्रश्न जब लगाए हैं तो आया है का किस्त जारी किया है। जो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना बनना है अभी राज्य सरकार के द्वारा लिखित में आदेश किया गया है कि पुराने कार्य को पूर्ण किए बिना नए कार्य को शुरू नहीं करेंगे, जबकि इसमें हर साल लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और हर साल लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में उसको बनाने का काम किया जाता है जिससे लोगों को समर्पित किया जा सके।